है, बट इट विल ऑल्सो कैटर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और मुझे उम्मीद है कि ये देश का सबसे अच्छा वाटर स्पोर्ट्स का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस होगा। इस वजह से होगा क्योंकि हमारी यहाँ पे जो टीम है बहुत वाइब्रेंट टीम है, यहाँ की सराउंडिंग्स, यहाँ की एनवायरनमेंट, खासकर समर में आप देखते हैं कितने ब्यूटीफुल वाटर्स हैं, कितना ब्यूटीफुल एटमोसफेयर है। और इस वाटर स्पोर्ट्स को हम कोने कोने में ले जा रहे हैं। आप इस साल देखेंगे कि वाटर स्पोर्ट्स को मानसपल में भी बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, वुलर लेक भी वाटर स्पोर्ट्स होगा, वाइट वाटर जो राफ्टिंग है वो कई इलाकों में कर रहे हैं जिसमें कुछ फार फ्लंग एरियाज भी हैं। हम हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स में भी इस बार वाटर स्पोर्ट्स को ले जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि बिकॉज ऑफ दिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वी विल बी एबल टू क्रिएट एंड हैव मैनी मैनी वाटर स्पोर्ट्स एथलीट्स हु विल एक्सेल इन दिस स्पोर्ट, हु विल डू नॉट जस्ट द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्राउड बट हु विल डू द कंट्री प्राउड। अच्छा, ये तो वाटर स्पोर्ट्स की तरफ जी, बच्चे बिल्कुल रागिब होते हैं, बच्चों में बहुत इंटरेस्ट है। आपने देखा कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, खासकर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो फोकस रहा है वो स्पोर्ट्स पे रहा है, वो यूथ पे रहा है। इस साल हमारे डिपार्टमेंट ने कई ऐसे नए इनिशिएटिव्स लिए हैं। मैं ये आपसे कहूँ कि हम एक एटमोसफेयर ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जिसमें सिर्फ हमारा यूथ और हमारे बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट ना खेले, लेकिन हम बड़े बूढ़े जो हैं, जो हम सोचते हैं कि लाइफ परहैप्स एंड्स आफ्टर 60 और 70, उनको भी हम स्पोर्ट्स फील्ड में जो हैं बाहर दावत दें, और दे आर ऑल्सो बी एबल टू प्ले, हैव दिस इंटेलिजेंस, दिस हेल्दी एक्टिविटी एंड आर एबल टू प्ले सर्टन गेम्स। बहुत अच्छी उसकी रिस्पॉन्स मिल रही है। गाँव गाँव में गेम्स अलग अलग किस्म की चल रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का जहाँ तक ताल्लुक है, आप जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ वास्टली इम्प्रूव। इनफैक्ट अगर आप पिछले 2 सालों में देखेंगे, इतना स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर सारे देश में कहीं नहीं बना जैसा यहाँ है। श्रीनगर सिटी की आप बात करेंगे, आई थिंक वी हैव सच वाइब्रेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कि आप जब शाम को निकलते हैं बाहर, आप देखते हैं कि आप सोचते हैं दैट वी आर इन सम बिग मेट्रोपॉलिटन सिटी बिकॉज यू हैव ऑल दीज फ्लडलिट स्टेडियम्स। मोर देन 60 सच प्ले फील्ड्स एंड स्टेडियम्स हैव बीन फ्लडलिट, जहाँ पे बच्चे जो हैं शाम के वक्त देर लेट आवर्स में भी खेल सकते हैं। हमारा यहाँ बहुत एक वाइब्रेंट फुटबॉल स्टेडियम है जो आप जानते हैं, वहाँ आप गए हुए हैं। अभी हमारा जो हॉकी, पहला हॉकी टर्फ है वो श्रीनगर में पोलो व्यू में जो है वो भी इनॉग्रेट होने जा रहा है। ऑलरेडी वहाँ प्रैक्टिस गेम्स जो हैं वो चल रही हैं। बख्शी स्टेडियम तो आप जानते ही हैं, इंटरनेशनल क्वालिटी जो स्टेडियम है वो बनाया गया है। वी हैव अ स्मॉल क्रिकेट स्टेडियम ऑल्सो विच इज़ फ्लडलिट। मुझे उम्मीद है कि ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं ये हमारे बच्चों को, हमारे यूथ को एक प्लेटफॉर्म देगी जिसमें वो स्पोर्ट्स खेलेंगे और स्पोर्ट्स में अपने आप को चैंपियंस बना सकेंगे, और सिर्फ हमारी यूटी को नहीं लेकिन हमारी कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर सकेंगे। आखिरी सवाल है, क्योंकि यहाँ पर आपने ये इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा लिया है, लेकिन पेरेंट्स कहीं जो है वो ये बता रहे हैं कि देखिए, आई टेल यू फॉर द पेरेंट्स एज वेल, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन एटमोसफियर वेयर ऑल द पेरेंट्स वुड ऑल्सो बी इन्वॉल्व। आई कैन अश्योर द पेरेंट्स की जो हमारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं विच आर हेल्दी एक्टिविटीज़, ये जो बुराइयाँ हैं समाज में, हमारी बुराइयाँ हैं उससे हमारे यूथ को दूर ले जाती हैं, एक हेल्दी बॉडी नहीं लेकिन एक हेल्दी माइंड भी क्रिएट करती हैं। आजकल का जो इतना डिफ़िकल्ट दौर है, इतना डिफ़िकल्ट वक्त है, इतना कॉम्पिटिटिव ज़माना है, इसमें ज़रूरी है कि जो भी हमारा बच्चा हो, जो भी हमारा यूथ हो, टू बी एबल टू बी सक्सेसफुल इन दिस डिफ़िकल्ट वर्ल्ड ही नीड्स टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, ही नीड्स टू हैव सम ऑफ दोज ट्रेट्स कि जो पार्टनरशिप में काम करना, मेहनत करना, एज अ टीम काम करना, फ्रेंड्स बनाना, आई थिंक स्पोर्ट्स टीचेस ऑल दैट। और मुझे यकीन है हमारे पेरेंट्स जो हैं उनमें भी ये रियलाइजेशन है, इसीलिए हमने एक एंडेवर किया है इस साल कि हम गोल्डन ईयर गेम्स जो हैं वो भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पेरेंट्स जो हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। कई डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी ये गेम चल रही है, यहाँ पर भी काफ़ी इनिशिएटिव। आपने कल देखा हमारे हॉकी स्टेडियम में, वी हैड सम वेटरन्स, ओल्ड पीपल, दे वर प्लेइंग देयर। पिछले हफ्ते आपने देखा हमारे डाउनटाउन में रेडपुरा स्टेडियम में कितने हमारे वहाँ के कम्युनिटी जो है, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने डिफरेंट स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। मुझे उम्मीद है ये जो एक हमने एक मुहिम चलाई है इससे और भी ज़्यादा लोग स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। सिटी में और जो प्ले फील्ड्स हैं, ग्राउंड्स हैं, वो हमें देखने को मिलेंगे इस साल? देखिए, सिटी में बहुत सारे प्लेग्राउंड्स हैं, हमारे डाउनटाउन एरिया में प्लेग्राउंड्स बनाए गए हैं जिसमें गनी मेमोरियल है, रडपुरा है, कई ऐसे हमारे आउटस्कर्ट्स में हैं प्लेग्राउंड्स जहां बनाए गए हैं। पहली बार हमारे यहां पे कश्मीर यूनिवर्सिटी में हमने एक एथलेटिक ट्रैक जो है, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, वो भी इस्टेब्लिश किया है, बहुत जल्दी इनॉग्रेट होने जा रहा है।
पहले हमारे पास सिर्फ एक हॉकी स्टेडियम हुआ करता था, सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम एस्ट्रोटर्फ का, जो जम्मू में हक्कू स्टेडियम था। आज श्रीनगर सिटी में हमारा एस्ट्रोटर्फ का हॉकी स्टेडियम है जो है वो तैयार है। हमारे पास यहाँ टर्फ स्टेडियम है, हमारे पास यहाँ आर्टिफिशियल टर्फ स्टेडियम है। आप अगर गिंदुन की तरफ देखें, वहाँ देखें कि वी हैव एन अकेडमी एंड वी हैव एन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस फॉर बास्केटबॉल देयर। वहाँ पर लॉन टेनिस कोर्ट्स हैं, वहाँ पर स्कॉश कोर्ट्स हैं, एक इंटरनेशनल लेवल का ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल बन रहा है। मेरे ख्याल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट इज़ इन अनप्रेसिडेंटेड जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर ने ग्रो किया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एलजी साहब का, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब का, जिन्होंने इसको तरजीह दी और जो एक इम्पॉर्टेंस जो स्पोर्ट्स और यूथ को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म देने के लिए जो उन्होंने इसको इम्पॉर्टेंस दी, मुझे उम्मीद है इसके रिजल्ट हम बहुत अच्छे देखेंगे।